कि एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर कि हम लोग अपना जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त दूसरों को जज करने में लगाते हैं कि ये भाई कितने पानी में है, इसके पास पैसे कितने हैं, इसके पास पावर कितना है, ये कौन है, क्या है ना, सुंदर है, अगली है, क्या है ना सर। हमारा हमारा ब्रेन जो एक टाइम पे एक ही थॉट सोच सकता है ना सर, इनकॉन्शियस ब्रेन यू विल थिंक वन थिंग एट अ टाइम, है ना सर, सबकॉन्शियस में कुछ और चलेगा। यू आर स्पेंडिंग दैट वैल्यूएबल रिसोर्स थिंकिंग अबाउट अदर पीपल रादर देन थिंकिंग अबाउट योर ओन विजन एंड व्हाट यू नीड टू डू। That is the biggest problem of our age, sir, of our society, of our age, that we are constantly comparing, judging other people, है ना सर? जब तक इंसान, मतलब आपकी मर्जी है, but जब तक इंसान दूसरों पे ज्यादा ध्यान देता रहेगा ना सर कि ये खराब है, वो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, यूएस नेवी सील्स कौन है, हम तो इंडियन है, ये है वो है ना, लड़कियां पैरासेफ आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, हम लड़कियों से ज्यादा पावरफुल हैं, है ना सर, एंड पीपल लिव इन इन दिस काइंड ऑफ दिस थिंग ना सर, एनी दिस थिंग, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसने कैसे कर लिया, तो आप भागोगे इन सब चीजों के पीछे जो एक्चुअली आपके कोई मायने नहीं रखती। कितनी बड़ी आप गाड़ी खरीद लो, है ना सर, कितना बड़ा घर बना लो, 10 घर बना लो, थाईलैंड, यूएसए, जापान, कहीं घूम के आ जाओ, है ना सर, ऐश्वर्या राय और हूएवर, यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, यू गेट मैरिड टू हर, व्हाटएवर यू मे डू एट द एंड ऑफ इट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू कैन डाई, है ना सर, 6 फीट बाय 6 फीट का गड्ढा बहुत होगा आपके लिए, है ना सर। तो ये है सत्य सर, है ना सर, तो इस सत्य को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना सर।